हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है गाइस। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि हनुमान बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, हनुमान जी आपको क्या ऐसा गाइडेंस देना चाहते हैं जो सुनना आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे टू ऑप्शन रखें, एक पिंक रंग का रखा है और एक येलो रंग का रखा है। जो हनुमान जी का नाम लेकर कोई भी एक ऑप्शन चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या हनुमान बाबा आपको संदेश देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। देखिए गाइज, यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि हनुमान जी कहना चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, आपके घर घर में जो है खुशियां आने वाली हैं। ये जो आप कोई भी ऐसा विश मांग रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार से संबंधित, आर्थिक स्थितियों से संबंधित, वो सभी पूरी होने वाली हैं गाइस, यहां पर दिखाई दे रहा है। और आपके जीवन में बहुत ढेर सारा तनाव चल रहा था, टेंशन चल रहा था, बहुत फाइटिंग हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपके जीवन से ये सभी दूर होकर नई शुरुआत होने वाली है। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक स्थिति हो गाइस, यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं आपको धन दौलत और साथ ही साथ आपके लाइफ में कोई नया जीवन साथी आने वाला है, कोई नया लवर आने वाला है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा गाइस। यहाँ पे आपकी लव लाइफ जो है गाइस, हनुमान बाबा बोल रहे हैं जो भी उसमें पारिवारिक परेशानियाँ आ रही थी, विवाह में, वैवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो भी तकलीफें आ रही थी उसको, या आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो सभी दूर होने वाली हैं और वैवाहिक तकलीफें जो है दूर होकर आपके लव लाइफ जो है खुशियों से आनंद से भर जाने वाली है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी गाइज, यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये सब समस्याएं आपकी लाइफ से दूर होने वाली हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं हनुमान बाबा कि आप जो बहुत आलस्य करते हैं, काम करने में आपका मन नहीं लगता है, जो हर काम को कल पे छोड़ देते हैं, चिंता नहीं करते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम अपने आलस्य को छोड़ो, अपने लेजीपन को छोड़ोगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, अच्छाई आएगा और तुम आगे बढ़ोगे गाइज। यहाँ पे ये बताया कि आप अपने समस्याओं से खूब लड़ रहे थे, खूब जूझ रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है, आप आलस्य में डूबते चले जा रहे हो, आप लेजीपन करते चले जा रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आप चिंता कर करके अपने आपको बहुत ज़्यादा लेजीपन बना लिए हो, बहुत ही आलस्य करने लगे हो, चिंता और टेंशन से आपका जो भी अच्छा समय था उसको भी गंवाने लगे हो आप, यहाँ पर ये हनुमान बाबा बोल रहे हैं। तो और अपना जीवन जो है एक बहुत ही रहस्य से भर लिए हो, यानी आपको सही और गलत का समझ में नहीं आ रहा है, सही और गलत आप नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि मेरे लिए सही दिशा कौन सा है और मुझे करना क्या है, यहाँ पे आप बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में है गाइज यहाँ पे। तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं आपको कि ये चिंता करना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो, अपना आलस्य छोड़ दो, तो आने वाला समय जो रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति है जो सुधर नहीं रही थी वो धीरे धीरे सुधरने लगेगी, आपका व्यवसाय भी अच्छा चलने लगेगा और आपकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके लाइफ से जो भी समस्याएं हैं जो भी तकलीफें हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं गाइज। आपके जीवन में जो नई शुरुआत नहीं हो रही थी, आपने आलस का घर बना लिया था, रहस्य जो नहीं सुलझ रहे थे, जो परिस्थितियाँ नहीं सुलझ रही थी वो सुलझने लगेंगी, आपके जीवन में नई योजनाएं बनने लगेंगी, आपकी जो लव लाइफ है वो भी अच्छी होने लगेगी और आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़े तमाम तरह की समस्याएं थी, टेंशन थी, तनाव थे, तकलीफें थी, वो सब दूर होकर आपकी लाइफ जो है खुशियों से भर जाएगी गाइज। यहाँ पे हनुमान जी का एक सलाह यहाँ पे दिया जा रहा है
कि अगर आपको अपनी बहुत अच्छी स्थिति जो अब अपना आलस्य छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा तनाव और डिप्रेशन को छोड़ेंगे, अपने सही निर्णय लेना शुरू करेंगे गाइस, तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ आपके कलेक्ट कर पाएंगे जो आप चाह रहे थे। लव चाह रहे थे, लव मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी चाह रहे तो वो भी मिलेगा। और आपका जो व्यवसाय नहीं चल रहा था या जो भी चिंताएं, परेशानियां, टेंशन जो भी थी गाइस, वो दूर हो जाएगी और आपका लाइफ जो है सक्सेस और सफलता की ओर चलता चला जाएगा। आप सही निर्णय लेना भी शुरू कर देंगे। आपके जीवन में जो भी रहस्य है गाइस यहाँ पर, उसको आप ख़त्म करके और दुखों को ख़त्म करके आप सक्सेस और सफलता की तरफ बढ़ेंगे, खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, चिंताओं को छोड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आपको हनुमान बाबा बोल रहे हैं, सबसे पहला काम अपने लेजीपन को छोड़िए, अपने आलस को छोड़िए, काम चोरी को छोड़िए, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो गाइज यहाँ पर, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ों में न्यू बिगनिंग होने वाली है। जब इंसान का गलत या दुख समाप्त होता है गाइज, तो सुख की स्थितियाँ शुरू हो जाती हैं, अच्छी स्थितियाँ शुरू हो जाती हैं, वही आपके लाइफ में हो रहा है। और यहाँ पे 9 नंबर है गाइज, 9 के बाद 10 आता है, यानी आपकी बहुत चीज़ें, गलत चीज़ें छूट रही हैं और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, हनुमान बाबा आ रहे हैं, यानी कंप्लीशन का नंबर आ रहा है, नंबर 1। वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, सफलता की तरफ ले जाएगा। हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आप अगर अपने काम पर ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से आप अपने वर्क को करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर कोई भी अगर आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, काम से संबंधित, प्यार से संबंधित, या आपको ऐसे ही बेफिक्र की चिंताएं हो जाती हैं, उसको दूर करने के लिए आप हनुमान मंदिर में एक नारियल चढ़ाकर आए गाइस। इससे आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, तकलीफें हैं, वो दूर होंगी गाइस। ये मान के और करके देखिए। यहाँ पे आपको अगर नहीं आप ज़्यादा कर पाते हैं, तो एक ही शनिवार या एक ही मंगलवार को ये नारियल आप मंदिर में दान करें, फिर देखें आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आलस्य है, टेंशन है, वो सब दूर होती हुई नज़र आएंगी गाइस। ये सलाह मान कर देखिए और फिर आप कितने सक्सेस और सफल होते चले जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हाय सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं हनुमान जी आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या संदेश देते हैं गाइज। यहाँ पर फ्लोइंग आइसोलेशन कंप्रोमाइज द मास्टर्स, यहाँ पे हनुमान बाबा आपके लिए ये बताना चाहते हैं गाइज कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये प्रॉब्लम आपकी सोच की भी हो सकती है, आपके व्यवसाय की भी हो सकती है, या आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि आप अपने आप को बहुत ही आइसोलेट कर लिए हैं गाइज, अपने आप को एकदम बांध के रख लिए हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, यहाँ पर परेशान में, आइसोलेशन की स्थिति में है गाइज। जैसे अपने आप को बंद कर लेना, अपने को स्टक कर लेना, वही स्थिति आपके ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किधर जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, आप समस्याओं में बुरी तरह से फंस गए हैं गाइस। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी दिशा में जाऊँ, कौन सी दिशा में ना जाऊँ यहाँ पर। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा गाइस, आपने सभी परेशानियों का सामना बहुत डट कर किया है, बहुत आप हिम्मत वाले पर्सन हैं गाइस। आपने अपने साहस से, अपने करे से, अपने हिम्मत से इस आइसोलेशन की स्थिति को बाहर किया है, आप अपने आप को फ्री किया है, अपने आप को स्वतंत्र किया है, कंप्रोमाइज़ किया है अपने परिस्थितियों से, अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से, तभी जाके आप अपने स्थिति में आगे बढ़ पाए हैं गाइस। तभी जाके आपके जीवन में हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वो सभी खुशियां आ रही हैं जिसको आप चाह रहे हैं। आपके घर में कोई ऐसा है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, परेशानियां थी, वो भी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आने वाला है गाइस, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके दुखों को दूर कर देगा, जो आपके सोए हुए
भाग्य को जगा देगा। यहाँ पर ये हनुमान बाबा बोल रहे हैं। जैसे आपने ऐसा आपको महसूस होगा कि मैंने जो बहुत पहाड़ों पे चढ़कर बहुत ज़्यादा मेहनत करके फल पाया था या मुझे फल मिलना चाहिए था, उतना फल नहीं मिला है, तो वो जो आपका पार्टनर आएगा, दोस्त आएगा या मेहमान आएगा, तो उस पार्टनर के द्वारा, उस बिजनेस पार्टनर के द्वारा, उस साथी के द्वारा आपकी जो तकलीफें थी गाइस, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कहने का मतलब कोई ऐसा मित्र मिलेगा, कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा दोस्त मिलेगा जिसके कारण आपको जो तकलीफें आ रही थी उसको आपको दूर करने में मदद करेगा और आपकी लाइफ जो है खुशियों से और कठिनाइयों से दूर हो जाएंगे और खुशियां आपको मिलेंगी गाइज। यहाँ पर जिस खुशियों से आप दूर हो गए थे, जो बरकत आप में नहीं हो रही थी वो बरकत होने लगेगी, खुशियाँ मिलने लगेंगी, आप बहुत ही जीवन में जो भी दुख कष्ट आया था वो चला जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत और हर तरह की चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये कार्ड ही जो होता है वो क्वीन का होता है, यानी क्वीन की एनर्जी में आ जाएंगे आप। बहुत ही आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत से भर जाएगी गाइस। जितने आपने कष्ट काटे हैं, तकलीफें काटी हैं, जो खुशियां आपसे रूट कर चली गई थी, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे थे, वो कोई ऐसा गुरु आएगा, मास्टर आएगा या दोस्त आएगा या लाइफ पार्टनर आएगा या कोई ऐसा पार्टनर आएगा आपके जीवन में जो आपके भाग्य को चमका देगा, ऐसा बोल रहे हैं हनुमान बाबा यहाँ पर। और ये बोल रहे हैं कि आइसोलेशन की स्थिति हट जाएगी और आपकी लाइफ में खुशियों का बहार आएगा। साथ ही साथ आप जिस कष्ट से बहुत तकलीफ उठा रहे थे, बहुत परेशानियां आपको हो रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप जीवन को जी रहे थे, वही जीवन आप खुशियों से जिएंगे, आनंद से जिएंगे, प्रफुल्लित होकर जिएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि धन दौलत सब आने वाला है गाइस। यहाँ पे हनुमान बाबा आपके लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अगर बहुत अधिक और भी अपने लाइफ में सही डिसीजन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए आपको मंगलवार के दिन जो बूंदी का लड्डू होता है ना गाइस, वो चढ़ाएंगे, या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सिर्फ बूंदी का लड्डू। आप अगर भगवान को मंदिर में जाकर, अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में आप बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं, वो आपके लाइफ में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं गाइस वो दूर हो जाएंगी और आपका आइसोलेशन का स्थिति खत्म हो जाएगा और आप बहुत धनवान सुख समृद्धि वाले इंसान बन जाएंगे, सक्सेस वाले इंसान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बूंदी का लड्डू जो है वो हनुमान जी को जरूर से ज़रूर चढ़ाना पड़ेगा, या आप बूंदी भी चढ़ा सकते हैं गाइस, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप सक्सेस और सफल रहेंगे। ये छोटा सा रेमेडीज़ था हनुमान जी के लिए, जो आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपको टैरो रीडिंग दिखानी है, हस्तरेखा दिखाना है गाइस, तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर में नंबर दिया गया है, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।